अस्सलामुअलैकुम। आज एल बैग में हम खाना खा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि जब भी हमारा उम्रा होता है हम बहुत खुश रहते हैं, तो हम खुशी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जो हमारे दिल को खुशी दे। तो बस उसी के लिए मैं अभी मेरे जैसे कि चाय की बहुत तलब लगी थी, आज बहुत लेट ही हो गया, आज बहुत दिल गमगीन है मेरा। चाय की बहुत ज़्यादा तलब लगी थी और ये मैंने ख़रीदा नहीं है। जो मुझे यहाँ पे देखते हैं वीडियो, जो मुझे इंडिया से मतलब पसंद करते हैं, ये उन्होंने अपने तरफ से ला कर दिए। एक्चुअली मैं खाने आई थी अल बैग, ये सारी चीज़ें मैं ली हूँ। और ये तबरुक से समझ लीजिए कि उन्होंने इतने प्यार से मेरे लिए ला कर दिए। और वहाँ भी उन्होंने बोला कि आपको क्या खाना है, तो मैंने बोला नहीं अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह का करम है कि मैं मेरे अल्लाह के घर पर खड़ी हूँ तो इज्जत है। ऐसा नहीं, मेरे अल्लाह ने मेरे घर पर भी मुझे इज्जत दी, मेरे शहर में भी मुझे इज्जत दी, और अल्लाह के शहर में भी, अल्लाह के घर में भी मुझे इज्जत दी। अल्लाह पाक का करोड़ों ऐसा। आपको मैं बताई अल बैग से इतना सारा मैंने खाने को लेकर आई, और वो भाई देखो ये जो पीछे है वो शॉप वाले इतना सारा देकर गए और पूरा ऐसे ही रखा है, और अभी भी आकर मुझे पूछे कि और कुछ खाओगे बर्गर लेकर आओ। मैं बोली नहीं बेटा थैंक यू। और वो बच्चा है गोवा का, यहाँ पे जॉब करता है, तो मैं वो फ़ोटो भी नहीं लेते। देखो ये मोहब्बत होती है कि उन्होंने एक फ़ोटो भी नहीं मांगा मुझसे, तो मैंने बोला फ़ोटो नहीं लोगे आंटी के साथ यादगार के लिए, तब आके वो बच्चे ने फ़ोटो लिया मुझसे। और ये देखिए मुझे चाय पीना था, मैं सामने से चाय और जूस ले बच्चा अमीन के लिए ठंडा लेकर आई। उसके बाद उनको याद आया कि हाँ मैं आपको कहीं देखे इंस्टाग्राम, मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने देखा। उसके बाद अभी देखो जूस ला कर दिया, मैंने बोला मैंने नहीं चाहिए इतना सारा टेबल, पूरा टेबल भरा हुआ था मेरा, ये देखिए पूरा टेबल भरा हुआ था, तो भी उन्होंने ये दिए मुझे, जजाक अल्लाह। और अल्लाह के घर और अल्लाह के शहर में भी अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी, मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान। और मैं दिल से यहाँ भी बैठ के चाहूँगी कि अल्लाह पाक हर मोमिन को ये इज्जत अता करे। आप अच्छे हो ना, सच्चे हो, इसीलिए आपको इज्जत। हाँ ये बात सच्ची बात है कि अब दुनिया आपको कितना भी बुरा बोले लेकिन आप अपनी सच्चाई से कभी मत हटना, क्योंकि जो सच्चाई होती है ना वो देर से कलर दिखाती है, लेकिन जब वो कलर दिखाती है ना तो पूरी दुनिया में उसकी चमक दिखती है। अल्लाह के शहर में भी आपको इतनी इज्जत मिल रही है। जजाक अल्लाह। मम्मी को कब से बोल रहा हूँ चलो होटल, मम्मी का लगता मन ही नहीं है वापस यहाँ आ गए जूस लेके। माशाल्लाह देखो यही बात होती है, वो बच्ची ने मुझे ये कपड़े दिए और ये लिबास की इतनी अहमियत है कि ये हरम शरीफ में मैं पहनी हूँ, और वो बच्चे ने मुझे जूस दिए, इतनी बड़ी बात है ना कि मैं चल के यहाँ बैठी हूँ, और अगर मुझे थकावट लगे तो मैं जूस पी हूँ और उसका कितना शुक्र अदा करूँ, उसको दिल से कितनी दुआ निकलेगी मेरी, यही बात होती है। और जो प्रमोशन करते वो तो मैं करती हूँ, तो अल्लाह ने मेरे नसीब में काम लिखा है करने का, तो वो तो मैं करूँगी ना, शान से करूँगी, क्योंकि मेरे अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में लिखा है वो काम। अस्सलाम वालेकुम, बजे हैं 3:52 और जैसे आप देख ही रहे हो कि मैं बहुत तेज़ी से भाग रही हूँ, क्योंकि यहाँ फजर बहुत जल्दी होती है और मुझे तहज्जुद पढ़ना है, उसके बाद फजर पढ़ना है, उसके बाद तवाफ़ करना है, और सारी चीज़ें मेरी आज दिली ख्वाहिश है, क्योंकि आज हमारा मदीने की तरफ दोपहर में कारवां जाने वाला है, तो मेरे दिल यही चाहता था कि मैं आज सुबह की जितनी भी सब चीज़ें हैं वो पूरी मुकम्मल करूं। और अल्लाह पाक का ऐसा एहसान हुआ कि बिना अलार्म के अल्लाह पाक ने मुझे जगा दी, और हाँ रोज़ ही बिना अलार्म के मैं उड़ जाती हूँ यहाँ पर माशाल्लाह। तो बस अभी जा रही हूँ हरम शरीफ, और इंशाल्लाह ताला जाके जो सोची हूँ अल्लाह पाक वो सारी चीज़ें करवाए जो मेरे दिल में है, जो मेरी ख्वाहिशों में है, तो अल्लाह पाक सब चीज़ें वो पूरी मुकम्मल करवाए मुझसे।
बहुत सारी नमाजें तवाफ मुकम्मल हुआ मेरा और अभी मैं यहाँ तवाफ से बैठी हूँ जाबे जमजम का पानी लेकर। पानी पीने से पहले मेरे दिल में कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत बोझ लग रही है, तो मैं उस बातों को भी यहाँ ख़त्म करके जाना चाहती हूँ। अयूब, तुमने दुनियाई ज़िंदगी में जितनी भी मुझ पर जो भी कोशिश की या फिर जो भी दुनियाई ज़िंदगी में आके आपने जो भी किया, एक निकाह का रिश्ता जोड़कर, एक मोहब्बत का रिश्ता जोड़कर, जो एक औरत को गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए आपने जो भी कोशिश की, मैंने मेरे घर से ये बात बोली थी कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन आज मैं मेरे अल्लाह के घर बैठी हूँ, तो मैं सब्र का ये घूंट पी कर मैं माफ़ करती हूँ। पर ज़िंदगी में कभी एक औरत के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम और ऐसे बहतान लगा कि उसको बदनाम मत करना, बस मैंने अल्लाह के घर बैठकर आपको माफ़ किया। और एक दिल की दूसरी बात है जो मेरे दिल की खुशी वाली बात है, जैसे आपने देखा होगा कि कल मैंने उम्रा मेरी अम्मी के नाम पे की है, अल्लाह पाक मेरी अम्मी का उम्रा कबूल करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से माला मकाम अता करे, परवरदिगार उनके सारे गुनाहों की मगफरत अता करे, बस यही उनकी बेटी की तरफ से ये उनके लिए तोहफा है। और दुनियाई ज़िंदगी में किसी और एक जन को भी मैं अपनी माँ मानती हूँ, वो है कुलसुम नायक की अम्मी, जिनको मैं अपनी माँ मानती हूँ और उनको मैं अपनी माँ बोलती हूँ। तो एक बेटी की दुआ है उनके लिए कि अल्लाह के घर में बैठी हूँ तो अल्लाह पाक जल्द से जल्द मेरी दुनियाई ज़िंदगी में जिनको मैं माँ बोलती हूँ, अल्लाह उनको यहाँ का जन्नत दिखाए अल्लाह पाक, और उनको अल्लाह का घर दिखाए, और अल्लाह के घर पे उनकी बेटियों के साथ उनको आना नसीब करे परवरदिगार। ये एक आपकी मुँह बोली बेटी की तरफ से दुआ है, अल्लाह ये कबूल करे, और मैं दिल से ये दुआ करी हूँ माँ कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द आपको ये घर नसीब करे और आपको ये घर दिखाए। बस यही तुम्हारी बेटी की तरफ से दुआ है तुम्हारे लिए, और अल्लाह पाक तुम्हें तंदुरुस्त रखे, आबाद रखे, बस यही दुआ है इंशाल्लाह। और सबके हक में मैंने दुआ की हूँ क्योंकि मैं अब जाऊँगी दोपहर मदीना, तो ये मेरा लास्ट, ये सरजमीन पे मेरा सलाम, मेरा जो भी है मैं नहीं बोल सकती हूँ, तो बस अल्लाह पाक हर दिल की बात, हर दिल की चीज़ कबूल करे जो मैंने यहाँ मांगी हूँ, और जिसके भी हक में मांगी हूँ अल्लाह उसको कबूल करे। मक्का का ये लास्ट खाना है और माशाल्लाह ये दूसरे ग्रुप वाले हैं, उन्होंने मेरा फ़ोटो भी लिया क्योंकि उनकी जो फैमिली है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उन्होंने ख़ास वहाँ से बोला कि आपको खाना वगैरह यहाँ से आप बोलते रहना। हर बार मैं खाने पर उतरती हूँ तो भाई मुझे बोलते आप यहाँ से खाओ, और मैं कुछ ना कुछ वो भाई के यहाँ से खाती हूँ, तो आज भी मैंने ये उनकी यहीं से ली हूँ, तो जज़ाक अल्लाह। और बस मक्का शरीफ का आज ये हमारा लास्ट खाना है। मक्का से निकले और माशाल्लाह मदीने की तरफ हमारी रवानगी है, और ये देखिए ये बीच में अभी हमारी बस रुकी है जैसे कि हमारा कारवा, और यहाँ पे जैसे थोड़े से फ्रेश हो जाए, चाय पी ले, कॉफ़ी पी ले, उस तरीके का गर्मी है। और इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी आप मुझे देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, अमीन को देख कर लगा सकते हो कि चेहरे हमारे बिल्कुल लाल तरीके के हो चुके हैं, और बस इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे बुजुर्गाने दिन जब यहाँ रहते होंगे और जब यहाँ पे उनका दिन गुजरे होंगे तो वो कैसा दौर होगा, वो कैसा ज़माना होगा। हम तो बहुत खुश नसीब है कि इतनी अच्छी ज़िंदगी और इतना अच्छा वक्त हम देख पा रहे हैं, और इस हमारे लिए तो इतनी सारी सहूलत है कि हम बस हो या जो भी चीज़ हो, हमारे बुजुर्गाने दिन तो सिर्फ पैदल पैदल और पैदल ही चलते थे, तो बहुत खुश नसीब है हम लोग के अल्लाह पाक हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी और इतनी अच्छी दुनिया में पैदा किए, हमारे बुजुर्गाने दीन ने जो हमारे लिए छोड़ कर गए, बहुत करम है कि हम वो चीज़ देख पा रहे हैं। और अगर एक मुसलमान ये चीज़ें देखकर अपनी ज़िंदगी में सोचे कि हमारे बुजुर्गाने दीन हमारे लिए क्या छोड़ कर गए, तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता जो हमारे बुजुर्गाने दीन को बुरा लगे या एक मुसलमान पर कोई ऐसी एक बात उठे। बस ऐसी दिलों की बात है, जो सोच सकता है इंसान वो बोल सकता है, तो मैं इसी तरीके से सोचती, शायद मेरे बोलने में या बताने में थोड़ी सी मिस्टेक होती हो या लफ्ज़ों में कुछ बयान करने में थोड़ी सी कमी होती हो, लेकिन दिलों की बातें होती है कि हमारे बुजुर्गाने दीन की बातें हैं जो वो यहाँ ज़िंदगी जीते थे,
और उस तरीके की ज़िंदगी अगर हमें जीने मिले तो हम कभी नहीं जी सकते। हमें तो अल्लाह पाक ने इतनी खुशियों के साथ, इतने सुख सुविधा के साथ यहाँ पे रखे, तो भी हम मुसलमान कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ करते हैं कि किसी का भी दिल दुखा देते। लेकिन हमारे बुजुर्गान ने दिन ने जो तकलीफ़ झेल कर, जो तकलीफ़ों से ज़िंदगी जी है, वो ज़िंदगी को अगर हम हमारी ज़िंदगी में थोड़ी भी जगह बना लें तो एक अच्छा इंसान बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये देखो क्या लगता है आपको, क्या लिया होगा अमीन? ये आ गई इसकी, अब कहीं भी जाएगा ना तो इसको मैगी। अभी मुझे बोलता है मम्मी मैं यहाँ खा लेता हूँ, फिर जाके वहाँ पे ना डाइट करूंगा शुरू। हाँ मिल्क मेरे लिए, मिल्क वाली लो। इधर भी यही खाए, ये मेरे को बहुत पसंद है, इंडो में है ना। चलो खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है कि आप जो चाहे वो चीज आपको मिल जाती है। ये देखिए शहद, प्योर, एकदम प्योर शहद। और यहाँ पे है कलौंजी, और कलौंजी का तेल, और माशाल्लाह क्या शहद है, छत्ते में से निकला। क्या खुश हो रहे बच्चे लोग, गुजराती है ना सब लोग साथ में, लोग गुजराती बोलना आ रहा हमें, तिखो नथी खट्टू छे, खट्टू लेमन छे, लेमन। हर मोमिन को यहाँ नसीब करो, हर मोमिन को यहाँ बुलाए। आमीन बोलो, आमीन।